नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 1500 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी बीएड के लिए प्रोवाइड कराएंगे, तो उसी क्रम में हमारा ये पार्ट टू है। जीके के हम आपको 1500 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें आपको 40 प्लस क्वेश्चन बड़े आसानी से अपने एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आपका हेनरी बेकर। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इन क्वेश्चनों में से कितने पता था, ताकि आपको पता लग सके कि आप कितनी तैयारी में हैं। अगर आप इसका 80% क्वेश्चनों का सटीक कर पाते हैं तो समझ लीजिएगा आपकी गवर्नमेंट सीट तय है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है रांट जन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तो वो है आपका तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो सही आंसर हो जाएगा थाने तक, मुंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? सही आंसर है कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1853, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए जिसे आप कहते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी बीएड 2017 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिग वेल्ली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 193, 193 कुल सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं 15, जिनमें आप जानते हैं 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? सही आंसर हो जाएगा बान की मून। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
तो इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना? तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के की वजह से। विटामिन के की वजह से ही थक्का नहीं बन पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? स्वर्ण पदक जीतने वाले एकल स्पर्धा में यानी सिंगल इवेंट में अभिनव बिंद्रा, शूटिंग में इन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष बाद किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जनेरिया में ओलंपिक खेल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 से 3 दिवस भी ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मिनिमम 2 दिवस ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है या राष्ट्रीय दिवस आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ये दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछा गया था दिसंबर या यूपी बीएड 2016 में कि राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दिवस दिसंबर। हरियाणा की कौन सी भैंस नस्ल प्रसिद्ध है? हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल जो है वो मुर्रा नस्ल है। दुनिया भारत की प्रसिद्ध नस्ल भैंस है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है यानी विपरीत दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे पर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उज्जैन और नासिक महत्वपूर्ण शहर हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने ये कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्येक 6 वर्ष के बाद चुने जाते हैं यानी 6 वर्ष का कार्यकाल उनका होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की दृष्टि से भी और जीके की दृष्टि से भी। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंड मारतंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन हैं? वो उदयबान हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत और कहां से हुई? तो आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई एथेंस यूनान से 1896 ईस्वी से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में, मेजर ध्यानचंद की का नेतृत्व में, जिन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें हॉकी के किंग कहा जाता था।
भारत में आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? सही आंसर हो जाएगा 1980 मास्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही आंसर है लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? सही आंसर है 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सही आंसर है माइकल फेल्प्स। तैराकी में इन्होंने एक स्पर्धा में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? सही आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक होंगे टोक्यो जापान। सन 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1900। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो प्रथम महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वीड्स वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पार्ट 2 जीके का आपको प्रोवाइड कराया है। जैसा मैंने आपको वादा किया है, मैं आपको जीके के 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 15 अप्रैल से पहले दूंगा और बहुत आसानी से दूंगा। और ये 1500 क्वेश्चन अगर आप जीके के पढ़ लेते हैं तो आपके 40+ क्वेश्चन आसानी से अटैम्प हो जाएंगे, आप जीके में बहुत अच्छी मार्किंग कर जाएंगे। तो आप हमारी पूरी वीडियो को पूरा देखेगा, आखिरी तक देखेगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।